तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी Xiaomi फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बूटलोडर को अगर आप अनलॉक करते हैं तो उसके ऊपर आप यहाँ पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑब्वियसली कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करते हैं तो कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप आपके फ़ोन को रूट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बूटलोडर को अनलॉक करने के बाद कर सकते हैं। या फिर मान लो अगर आपका फ़ोन बूट लूप पे चला जाता है या फिर आपका फ़ोन जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पे अगर आपका फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक है तो उसको आप यहाँ पे घर पे फिक्स कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है कि कैसे आप आपके पीसी के मदद से आप आपके Xiaomi फ़ोन का अगर बूटलोड पे चले जाते हैं या फिर फ़ोन ब्रेक हो जाता है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपका बूटलोडर यहाँ पे अनलॉक होना चाहिए। अगर इस केस में आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है तो आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे एडवांटेजेस भी है कि आपको बूटलोडर को अनलॉक करना चाहिए और कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि आपका जो फ़ोन है वो अगर कहीं गुम हो जाता है या फिर किसी थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं जिसको अगर एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, तो आपके फ़ोन में रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आपका फ़ोन पूरा फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं या फिर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। तो अभी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बूटलोडर को अनलॉक करने के बाद क्या कुछ फ़ायदे और इसके क्या कुछ नुकसान है। तो अगर आप आपके फ़ोन के बूटलोडर को अभी अनलॉक करना चाहते हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बूटलोडर को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो इस प्रोसेस में डिलीट होने वाला है। तो आपकी जो सारी फाइल्स है उनको या फिर पेन ड्राइव में या फिर आपके पीसी में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पे डिलीट होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप आपकी फाइल्स को यहाँ पे दोबारा यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद आपने एक बात ध्यान में रखनी कि आपका जो Xiaomi अकाउंट है उसको आपने आपके फ़ोन में लॉगिन करना है। अगर आप Xiaomi का डिवाइस यूज़ करते हैं और Xiaomi अकाउंट आपको नहीं पता है तो आप सिंपली सेटिंग में जाएंगे, आपको सबसे पहले वही ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि कैसे आप आपके मी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उसको सिंपली क्रिएट कर दीजिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको उसको लॉगिन करके रखना है। तो अभी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आपको आगे की प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे मोबाइल पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास अभी के टाइम पे Redmi Note 10 Pro है और इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे बूटलोडर को कैसे अनलॉक करना है वो बताऊंगा। स्टेप सारे Xiaomi फोन्स के लिए सेम ही होते, चाहे वो Redmi का हो, Mi का हो या फिर Poco का हो, सभी के लिए वही स्टेप्स होते हैं। सिंपली अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद MIUI वर्जन जो है यहाँ पे आपने 4 से 5 बार टैप करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का मैसेज होगा कि आप अभी डेवलपर बन चुके हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आपने एडिशनल सेटिंग्स में आना है, डेवलपर ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे OEM अनलॉकिंग का जो ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पे इनेबल कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे आपको USB debugging नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे। अभी आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइमर देखने को मिलेगा, टाइमर होते ही आप यहाँ पे आई एम अवेयर को यहाँ पे मार्क कर देंगे और ओके पे टैप कर देंगे। अभी इसके बाद ये ऑप्शन जो है वो आपके फ़ोन में यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मी अनलॉक स्टेटस में आना है, यहाँ पे आपने एग्री वगैरह करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड दिस डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपके फ़ोन को मोबाइल डेटा से कनेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है, मोबाइल डेटा से कनेक्ट करना है आपके फ़ोन को। और उसके बाद सिंपली वहाँ पे आप ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, आपका जो डिवाइस है वो Xiaomi के सर्वर पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा ताकि आप आपके फ़ोन को यहाँ पे अनलॉक कर सकते। तो सिंपली आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐड अकाउंट एंड डिवाइस। तो इसको आप ऐड कर लेंगे और यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, आपका जो मी अकाउंट है वो इस फ़ोन में यहाँ पे लॉग इन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद आपने सिंपली अभी क्या करना है, आपको आपके पीसी पर आना है और पीसी पे आपको कुछ स्टेप्स को यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो इसके लिए आपको पीसी की ज़रूरत भी पड़ती है बूटलोडर को अनलॉक करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे पीसी पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की ये वेबसाइट है en.miui.com, इस वेबसाइट पे आना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे आपको डाउनलोड मी अनलॉक इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मी फ्लैश का जो टूल है वो आपके पीसी में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की जिप फाइल आपको देखने को मिलेगी, अभी मैंने डाउनलोड करके रखा तो सिंपली मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ अभी के टाइम पे। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने वहाँ पे लोकेट करना है जहाँ पे आपने वो फाइल को सेव करके रखा है। तो मैंने डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करके रखा है और यहाँ पे आपको ADB सेटअप की जो फाइल है वो भी चाहिए, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप ADB सेटअप की फाइल को ओपन करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसको भी आप यहाँ पे ओपन कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके की ब्लू विंडो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपने वाई प्रेस करते जाना है, वाई मतलब कि यस, एन मतलब कि नो, यहाँ पे आपने वाई प्रेस करते जाना है और यहाँ पे आपको यस यस करते जाना है, मतलब कि ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है।
उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो आपको देखने को मिलेगी। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अभी ये जो ब्लू वाली विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। उसके बाद आपने इस जिप फाइल को भी यहाँ पे क्लोज कर देना। उसके बाद जो मी अनलॉक की जो जिप फाइल है उसको आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का फोल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके की फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। अभी आपने यहाँ पे मोबाइल पे आना है और आपके डिवाइस को जो है वो पावर ऑफ कर देना है। याद रखिए आपने सबसे पहले आपको इसका बैकअप कर लेना है, इंटरनल स्टोरेज आपने टोटली आपको यहाँ पे बैकअप करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डिलीट होने वाला है। अभी सिंपली आप क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन एंड पावर के बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, आपका जो फोन है वो फास्ट बूट मोड पे बूट होगा। याद रखिए वॉल्यूम डाउन एंड पावर का बटन। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलेगा फास्ट बूट का, मी के बने की फोटो देखने को मिलेगी और फास्ट बूट लिख के आएगा। अभी आपका फोन जो है वो फास्ट बूट मोड पे बूट हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके फोन को आपने पीसी के साथ कनेक्ट करना है। कोशिश यही कीजिए जो आपकी डेटा केबल है वो यहाँ पे ओरिजिनल होनी चाहिए जो आपको आपके बॉक्स में मिली है। तो उस केबल के साथ आपने आपके पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद पीसी पे आने के बाद आपको यहाँ पे बैच अनलॉक डॉट exe नाम का यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इसको सिंपली आप यहाँ पे ओपन कर देंगे डबल क्लिक करके। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो डिवाइस वो यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। आपको एक यहाँ पे सीरियल नंबर शो कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे स्वीट इन लिख के आ रहा है जो कि रेडमी नोट 10 प्रो का यहाँ पे कोड नेम है। जैसे कि आपको यहाँ पे रेडमी नोट 10 प्रो में वॉयलेट देखने को मिल जाते हैं, रेडमी K20 प्रो में आपको रफाइल देखने को मिल जाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे आपके जियो डिवाइस का कोड नेम होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखते तो आपको यहाँ पे लॉक लिख के आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे लेफ्ट में आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आपका जो मी अकाउंट है उसको साइन इन कर लेंगे। अभी यहाँ पे OTP वगैरह भी आते हैं तो जल्दी से मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे साइन इन कर लेंगे उसके बाद सिंपली आप एक बार यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे, आपको जो डिवाइस है वो यहाँ पे डिटेक्ट है कि नहीं वो देख लेंगे। और उसके बाद सिंपली आप आपके डिवाइस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पे चालू होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलॉकिंग की प्रोसेस यहाँ पे चालू हो चुकी है। ये हो जाने के बाद सिंपली आप आपके डिवाइस को एक बार देखेंगे और यहाँ पे आपका डिवाइस जो है वो रिबूट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपको यहाँ पे अनलॉक का यहाँ पे आइकॉन भी लिख के आया। अभी आपका जो डिवाइस हो टोटली यहाँ पे फॉर्मेट होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका डिवाइस और एक बार यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। अनलॉक का जो लोगो है वो अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली जो आपका डिवाइस है वो अभी यहाँ पे रिबूट होगा और आपका जो डिवाइस है वो अभी फर्स्ट टाइम बूट होने वाला है फॉर्मेट करने के बाद। तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगे, अभी 5-10 मिनट का भी टाइम ले सकते हैं, आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है। तो आपने बस यहाँ पे पेशेंस रखना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पे बूट हो चुका है और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। अभी इसको कैसे फिक्स करना है, अभी आपके जो डिवाइस है वो लॉक हो चुका है तो यहाँ पे कैसे फिक्स करना है, सिंपली आप यहाँ पे ओपन वाईफाई सेटिंग्स में आएंगे, सिंपली आपके डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल डेटा तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे एक्टिवेट दिस डिवाइस में आएंगे और आपका जो मी अकाउंट है उसका यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अभी पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा वेट करने आपको, आपको जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे MIUI का जो सेटअप है उसको यहाँ पे कर देना है और आप आपके डिवाइस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑफिशियल मेथड को आप यहाँ पे यूज़ करके आपका जो Xiaomi फोन है उसको आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो कुछ इस तरीके से आप आपके Xiaomi फोन का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।